नमस्कार, एस एम न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम लोग दिल्ली सचिवालय में और यहाँ पे लाखों की संख्या में लोग आए हुए हैं और जिसके अंदर पुरुषों से कहीं ज़्यादा महिलाएं आई हुई है। हमारे साथ समाज सेविका सुनीता जी हैं, नीलम मौज जी हैं, जो हमेशा बहुजन की आवाज़ को मजबूत करने के लिए तन मन धन से लगे रहते हैं। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। सुनीता जी, आज की जीत का श्रेय किसे देते हैं आप? आया है, कोई हॉलीडे नहीं है, कोई फेस्टिवल डे नहीं है, तो हर किसी ने इस चीज़ को अहमियत दी कि जो बाबा साहब की मूर्ति वहाँ लगी हुई है और जो हमारे जो समाज के जो भाई बहन उनसे मदद चाहते हैं, हम लोग अपने घरों से निकले और उनको पूरी तरह सहयोग किया। हमारे साथ नीलम बौजी भी हैं, जो हमेशा अपने मंचों पर जाके बहुत अच्छे से बहुजन समाज की बात करते हैं। नीलम बौजी, एक बात बताइए, बहुजनों के ऊपर, बहुजनों की मूर्ति तोड़ने के ऊपर ही हमेशा क्यों विवाद होते हैं? कि जितनी भी चीज़ें इस भारत देश में, वो सभी, मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर काल्पनिक चीज़ों की, वो सभी काल्पनिक चीज़ें हैं और स्थाई रूप से स्थाई नहीं है, बल्कि इन्हों की जो काल्पनिक आडंबर है उसके माध्यम से इन्होंने स्थापित कर रखा है। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पर बहुजन मूवमेंट की और बहुजन विचारधारा की, तो हमारे पास में महाकरुणी तथागत बुद्ध की ऐसी विचारधारा है जिस विचारधारा के कारण भारत देश को पूरे विश्व में जाना जाता है और पूरे विश्व में ही भारत गौरवान्वित होता है महाकरुणी तथागत बुद्ध के कारण होता है। दूसरा नंबर पर मैं बात करूँगी यहाँ पर सम्राट किसी घरों में काले नहीं होता है, बल्कि वो रामराज्य के सम्राट अशोक का काल था। और तीसरे नंबर पर हम लोग यहाँ पर परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब की, जिसका डंका न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में बजता है। लेकिन आज ये मनुवादी सरकार, चाहे केजरीवाल की सरकार हो या मोदी की सरकार हो, कहीं ना कहीं ये जातिवाद से इतना ग्रस्त है कि इतने महत्वपूर्ण और इतने योग्य व्यक्ति को भी जाति के आधार पर इस देश की संस्कृति से, इस देश की धरोहर से, इस देश के इतिहास से मिटाने का लगातार प्रयास करिए। लेकिन हम कहीं ना कहीं देख पा रहे हैं कि ये सरकार दोहरी मानसिकता का शिकार है। जब भी चुनाव आते हैं तो जय भीम तक सीमित हो जाती है और जो हमारा बहुजन समाज है वो इतना संवेदनाओं में प्रबल होकर इतना बह जाता है कि सिर्फ एक जय भीम के नारे से अपना बहुमूल्य वोट इस सरकार को दे आता है। तो यहाँ पर मैं आग्रह करूँगी अपने बहुजन समाज के सभी साथियों से कि सिर्फ इनकी जुमलेबाजी तक सीमित ना रहे, क्योंकि आप सभी देखते हैं कि जो पिछले 3-4 महीने से देवली विधानसभा है, देवली की पहाड़ियों पर जो महाकाली तथागत बुद्ध का जो प्राचीन बोध विहार है और बाबा साहब की 50 साल पुरानी प्रतिमा लगी हुई है, उसको धूमिल करने का, उसको ध्वस्त करने का दिल्ली सरकार काम कर रही थी। लेकिन आज साधुवाद के पात्र है बहुजन समाज, बल्कि मैं कहूँगी कि ये जागरूक बहुजन समाज, क्योंकि बहुजन समाज हमारा बहुत बड़ा है। लेकिन मैं जागरूक बहुजन की इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि जो आज बहुजन जागरूक थे वही इस मिशन मूवमेंट का और इस आंदोलन का हिस्सा बने हैं और यहाँ पर आकर उन्होंने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई और उसी का नतीजा क्या, दिल्ली सरकार को घुटने टेकने पड़े और जो हमारी मांग थी कि जो सरकारी जमीन है वो हमारी है और जो हमारे महान पुरुषों के नाम से 65 गज भीगे जो देवली की पहाड़ी पर अलाउट की गई थी, वो जमीन दोबारा से इन्होंने हमारे नाम करने का एक जो आदेश पारित किया है। आप देखते हैं कि यह प्रक्रिया कहाँ तक सफल हो पाएगी। हमारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। संघर्ष चालू हो चुका है, शिक्षित बहुजन समाज के बहुत लोग होते जा रहे हैं और संघर्ष के साथ साथ संगठन एकता मजबूत होती जा रही है। हमारे चैनल से आप लोगों ने बात की, इसके लिए धन्यवाद नीलम जी। अगर आपने
अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।